आइए बच्चों, अब थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्ञान की बातें करते हैं। यानी अब मैथमेटिक्स तो बहुत पढ़ लिए, थोड़ा अब थोड़ा थियोरी बेसिस की पढ़ाई करें, कर लें? हाँ सर, ठीक है। तुम लोगों ने ये नाम सुना है क्या जी? कर लो कर ये हो क्या रहा है यार? लो। वो उसकी टांग खींच रहा है। हाँ कोई नहीं, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों ने ये नाम तो सुना होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कभी नाम सुने हो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी? हाँ हाँ सुना था। ठीक है, सुना था। आज से कितने साल पहले? लाखों करोड़ों साल पहले सुना होगा, है ना? नहीं, 10वीं में। उतना ठीक है। सुनिए, जियो मतलब क्या होता है? धरती। जियो मतलब क्या है? भू, धरती। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं बताऊंगा कैसे। ये धरती के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। पहले समझा ही देते हैं, ध्यान से सुनो। ये धरती है, तुम बोलोगे हाँ। तो ये सैटेलाइट क्या यहाँ पे घूम सकता है ऐसे ऐसे? पहले हाँ या ना बस बताना, क्या ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, हाँ या ना? हाँ, घूम सकता नहीं है। घूम सकता है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स क्यों इसको ग्रेविटी देगा। कहाँ से घूम जाएगा ये? सेंटर नहीं घूमेगा? से नहीं घूम पाएगा। ठीक है, ऐसे घूम सकता है क्या मृणाली? हाँ नहीं घूमेगा, क्योंकि अभी भी सेंटर पे नहीं है ये, समझे? खाली गलत जवाब देती है, सिर्फ गलत जवाब। हाँ ऐसे घूमेगा क्या? हाँ ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे घूमेगा क्या? हाँ ना सर, घूमेगा। हाँ ना, बिल्कुल घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसे भी घूमे, सेंटर के आसपास से उसको घूमना पड़ेगा, ये याद रखना। सेंटर के आसपास से उसको घूमना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट होता है वो सुनिए जरा। मान लो, सुनना, मान लो, अरे भैया क्या हो रहा है, मान लो ये धरती घूम रही है ना, इस इधर इस घूम रही है। मान लो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस तरफ है, तो ये मान लो जिस रफ्तार से घूम रही है, अगर उसी रफ्तार से हम इसी ओमेगा से यहाँ पे एक सैटेलाइट रख दे, तो क्या इसका रिलेटिव पोजीशन कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। क्या कभी चेंज होगा? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमको वो रुका हुआ दिखेगा। अगर मान लो हम यहाँ बैठ के देखेंगे, तो हमेशा वो हमको अपने माथे के ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि हम भी उसी रफ्तार से घूम रहे हैं और हमारे माथे के ऊपर भी वो भी उसी रफ्तार से घूम रहा है। आया ना, सच बताओ? तो सर, इसीलिए हाँ। इस तरह के सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा, हमारे यहाँ जो टीवी का कम्युनिकेशन, इंटरनेट का कम्युनिकेशन, ये सब जो आता है ना, ये कौन लेके आता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो अगर ये एक जगह रुका हुआ नहीं होता, तो पता चले ये सिग्नल अभी भेज रहा, धरती घूम के इधर पहुंच गई और ये यहीं पे रह गया। लो अब कुछ देर के लिए सिग्नल गायब, फिर से वो सैटेलाइट हमारे रेंज में आएगा, तब पता चलेगा अच्छा, अब आ रहा है नेटवर्क, तो हमको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रिलेटिव में क्या होता है? रेस्ट पे रहता है। अर्थ के रिलेटिव में क्या रहता है? रेस्ट पे रहता है। बताइए, कोई दिक्कत? तो तुम बोलोगे नहीं सर फिर तो बहुत दिक्कत होता होगा ना, नहीं क्योंकि वो कम ही दूरी दूरी को देखता होगा। तो जवाब है जी नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होता। ध्यान से सुना, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसका जो रेंज है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। एक तो सबसे पहले इसको बहुत दूर दूरी पे रखते हैं। कितना दूर रखते हैं तो मैं बता दूं, अगर सेंटर से तुम देखते हो ना, तो सेंटर से इसको 7 आर के डिस्टेंस पे रखते हैं, और अगर सिर्फ यहां से देखते हो तो 6 आर के डिस्टेंस पे, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर दूर ले जाके रखते हैं। देख लो कितना दूर हो गया, देख लो कितना ज्यादा दूर। अरे दूर नहीं हुआ हाँ क्या? हाँ हमारे ना ऊपर जो सर, आसमान में बादल उड़ता है ना, वो 3-4 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, और 5-6 किलोमीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ता है। समझ में आ रहा? 5-6 किलोमीटर ही मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ 36,000 किलोमीटर, सोच लो कितना ज्यादा है ये। ठीक है, तो वहां पे जब इस सैटेलाइट को रखते हो, और वो भी इतना ओमेगा दे देते हो जितना में धरती घूम रही, जितना में कौन घूम रहा? धरती। तो ये तो इसके लिए रेस्ट पे रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ फायदा ये होता है इतना दूर जाने का, कि इसका जो रेंज होता है ना दोस्त, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी धरती का लगभग 1/3 इलाके को ये कवर करके रखता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो तुम बोलोगे इसका मतलब अगर 3 भेज दें तो पूरा धरती कवर हो जाएगा, तो जवाब है यस, जवाब है यस। समझ में आया?
तो ये जो कम्युनिकेशन का होता है, रेडियो का, इंटरनेट का, टेलीविजन का, सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। बताओ कोई दिक्कत? अलग अलग नहीं देश का अलग अलग होता है, नहीं तो इसीलिए इंडिया कोई भी सैटेलाइट भेजता है तो उसके आसपास जो दुश्मन देश हैं, जैसे कि कौन सा देश है, पाकिस्तान, वो भी डरता है। क्यों? क्योंकि भाई इतना ऊपर भेजा है तो पाकिस्तान, चाइना सबको ये कवर करेगा ना, 1/3 को ये हाँ कवर कर लेता है, धरती के 1/3 एरिया को, तो वो तो उसमें बीच में ही लपेटा गया। चाहे मिलिट्री सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट, सब कवर करता है। समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ, अब थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है सैटेलाइट का अब, यानी थोड़ा न्यूज पढ़ेंगे ना, देखेंगे, अच्छा भी लगेगा। क्यों ममता? हाँ सर, हाँ ना, तो देखो आज क्या सर होता है। हाँ ओजोन लेयर 30 किलोमीटर के अंदर रहती है, वो कहाँ रह गया 36 किलोमीटर, हाँ बहुत बहुत कम हो गया, उसका 1,000 गुना थर्टी ज्यादा, देख लो। सिक्स थाउजेंड हाँ, क्या मैं किलोमीटर ऐसे लिखूं क्या कि देखो अब सेंटर से 7 आर हो गया ना, एक जगह लिख दिए तो हो गया ना, समझ आ गया ना? ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होता होगा जरा सोच के बताओ। एक रिवॉल्यूशन कितने देर में लगाता होगा? 24 घंटा, 24 घंटे में क्योंकि इसको धरती के जैसा ही रहना है। इसका वेलोसिटी क्या होता है, मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी यानी स्पीड का। बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 3.1 किलोमीटर पर आवर। तुम बोलोगे ये तो बहुत कम है, तो हाँ ये बहुत कम, इतना तेजी से घूमता है क्योंकि इसको 24 घंटा लगाना है घूमने के लिए, इसलिए बहुत ही धीरे 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 धीरे। हमारा धरती भी तो बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसीलिए। इसका इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, सोच के बताओ। भाई धरती कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट, खत्म, फिर है ना? क्या इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है? एक सैटेलाइट का अगर हम बात करें, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अगर हम बात करें, तो ये लगभग 1/3 एरिया को कवर करता है, 1/3 एरिया ऑफ अर्थ को कवर कर लेता है। बताओ कोई दिक्कत? इसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेनली किस चीज के लिए करते हैं? मेनली तो मेनली किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन में सब आ गया, इंटरनेट, टीवी, लैंडलाइन, मतलब लैंडलाइन तो खैर गलत हो गया, सब कुछ, है ना? पार्किंग वार्किंग के लिए, यानी जीपीएस के लिए। ठीक है, बोलोगे? ओके। इसी सैटेलाइट को हम लोग रिले सैटेलाइट भी कहते हैं। रिले सैटेलाइट मतलब अब ओमकार हमसे बात कर रहा है, या हम तुम्हारा भी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है? यहाँ से सिग्नल जा रहा है सीधा हमारे आसपास वाले नेटवर्क के पास, है ना? जो मोबाइल टावर है वहां पे जा रहा होगा, वहां मोबाइल टावर से वो सैटेलाइट को भेजेगा, वो सैटेलाइट लोकल टावर को भेजेगा, और उस लोकल टावर से तुमको मिलेगा, ऐसे होता है। तो वो वहां पे रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है, यानी धरती पे जितने भी मोबाइल टावर है वहां से वो सिग्नल कैट करके जिस जिसके पास भेजना है वहां भेज देता है। समझ आया? तो वो रिले की तरह काम कर रहा है, इसीलिए कहते हैं इसे रिले सेंटर। ठीक है, हाँ इसके अलावा ये रिमेन्स रिमेन्स सेम या रिमेन्स एट सेम पोजिशन ऑफ अर्थ। सर, वो जो पेन के नीचे वाली लाइन है ना, वो उतना ही ऊपर ले लो ना। पेन के नीचे वाली लाइन, यार तुम लोग ऊपर नीचे करवा रहे हो, तब से बोल रहे हैं मत करवाओ। बस ठीक है, अब ये सब सुन के काफी अच्छा लग रहा होगा, और ये भी सोच रहे होगे कि ये एस्ट्रोफिजिक्स कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, बस मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो हम लोग भी कैलकुलेशन करके भेज देंगे सब कुछ, है ना? क्यों मृणाली? नहीं सर, वो बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है ना, तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? अब मुझे बताओ एंगुलर स्पीड क्या होगा इसका, अगर मैं पूछूं तो तुम बोलोगे धरती का जो होता है उसी के जैसा होगा, और क्या होगा? ठीक है, मैं सर, बोलूं 1 माइल मतलब कितना रहता है? ये होता है शायद 3 किलोमीटर के आसपास, 2.67 या कुछ ऐसा होता है, देख लेना एक बार गूगल।
सेम एज इट, 2.67 या 2. कुछ कुछ देखना, ठीक है. हाँ देखता हूँ। ओके, तो ये था हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एक बस नाम के लिए बता देते हैं, उसे कहा जाता है पोलर सैटेलाइट. क्या कहते हैं दोस्त? ये इक्वेटोरियल था. अब बात करते हैं पोलर सैटेलाइट, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है. ये कहाँ घूमता रहता है? अबाउट पोल, और वो इक्वेटर के अलोंग घूमता है. मैं लिखना भूल गया, तुम लोग लिख लेना. इसका टाइम पीरियड कितना होता है? अगर मैं बात करूं तो ये धरती का एक चक्कर लगा देता है 100 मिनट के अंदर. कैसे घूमता होगा? ये हमारा धरती है तो ये ऐसे घूमता है. समझ आ गया? ये है पोल, सर सोलर सैटेलाइट. वन पॉइंट और सिक्स किलोमीटर हाँ ठीक है, 1.6, ठीक है. अब दोस्तों हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो मैं तुम्हें बता दूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है. बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी को ही कहते हैं. क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी को ही कहते हैं, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब इन सब चीजों से रिलेटेड जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, मैं उसके लिए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पढ़ लो. पढ़ लोगे क्या? जो थियोरेटिकल पार्ट है सैटेलाइट का पढ़ लोगे योगेश का? थियोरेटिकल पार्ट होंगे, बाकी तो मैंने हाँ बता ही सर। दिया, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं केपलर्स चचा सर के बारे में. या एक लाइन कौन सा वाला? गई थी वो टाइम बस पीरियड वाला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, यार, नहीं उसके अब हम ऊपर लोग वाली अबाउट अबाउट पोल. पोल। हाँ, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं केपलर्स चचा के बारे में. जानते ही होगे केपलर्स चचा को. तो कहानी इनका कुछ ऐसा चलता है कि पहले दुनिया वाले मानते थे कि सूर्य धरती का चक्कर लगा रहा है. सूर्य क्या लगा रहा है? धरती का चक्कर लगा रहा है. एक मिनट, केपलर्स लॉ. लेकिन ये अंकिल आए, केपलर्स अंकिल आए, और उन्होंने बोला ना ऐसा नहीं होता. उन्होंने दुनिया वालों को जागरूक किया, और उन्होंने बोला कि एक्चुअली प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर काटते हैं. लोगों ने बोला अच्छा कैसे? तो ये जब तक कुछ बोलते तब तक कुछ और महानुभाव बोलने लगे, अरे जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है वहां पे एटम में न्यूक्लियस के, वैसे ही घूमता है. कुछ बोला अरे वैसे नहीं, जैसे सैटेलाइट नहीं घूमता रहता प्लैनेट के चारों तरफ, जैसे चांद घूम रहा वैसे. तो ये बोले सुनो सुनो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. तो केपलर्स लॉ मैं बता दूं किस चीज के लिए वैलिड है. सबसे पहली बात, केपलर्स का लॉ प्लैनेट के लिए वैलिड है. क्यों? क्योंकि प्लैनेट का जो पाथ होता है एलिप्टिकल होता है, जबकि सैटेलाइट का नहीं होता है. क्यों दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? बोलोगे नहीं. तो ये किसके लिए वैलिड है? फॉर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स. मैं लिख दूं नॉट फॉर सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट का पाथ देखे हो ना कैसा है. तुम बोलोगे हाँ सैटेलाइट का तो सर्कुलर पाथ है, सैटेलाइट का क्या होता है? सर्कुलर पाथ. लेकिन ये बोलते हैं केपलर्स अंकिल बोले हैं कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है. कैसा पाथ पे घूमता है? इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है. तो आओ सबसे पहला इनका लॉ पढ़े. इनका तीन लॉ पढ़ना है और चैप्टर हो जाएगा खत्म. तो इनका पहला लॉ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला ऑल प्लैनेट्स मूव, लिख रहे हो ना इन, हाँ सर, ठीक है हाँ जल्दी सर, जल्दी लिखो, है ना. जो स्लो है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन एट द फोकाई. फोकाई यानी फोकस, ये सिंगुलर के लिए है, यानी किसी एक फोकस पे होता है. फोकस एट द फोकाई ऑफ द एलिप्स.
ये लॉ है, लॉ को तुम क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते हो। लॉ को क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, प्रूव नहीं। यानी कि ओंकार की तरह चले गए जो सूरज से बाहर और जा, मतलब सूरज कहते हैं धरती के बाहर, और जाके सेल्फी लिए जा रहे हैं बैकग्राउंड में सूरज और धरती को लेके, कि अच्छा ये सच में मतलब एलिप्टिकल है क्या। तो ऐसा नहीं होता है कि ओंकार निकल गया सेल्फी लेने, ऐसा हम नहीं ना कर सकते। इसको सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है कि भाई गलत है सही है क्या है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, लेकिन हम इसको वो नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, बस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके तो आइए देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं अंकिल, वो सुनो। अंकिल बोल रहे हैं कि ये है एक एलिप्टिकल पाथ, ये क्या है एक एलिप्टिकल पाथ, इस एलिप्टिकल पाथ पे किसी एक साइड क्या है ये सन बैठा है, कौन है दोस्त, सन भैया। सर और यहां मान लो हमारी धरती माता घूम रही है, एक धरती यहां पे बना देते हैं, कितना धरती बना दे ओंकार, चार चार बना दे, ठीक है दो चार दो यहां बना देते हैं और दो तुम अपने में बना ले, हो जाएगा चार, है ना। चलो इधर देखो, एक ये दूरी है, तुम बोलोगे हाँ एक ये दूरी है, ये तो ज्यादा दिख रहा है तो इसको आर मैक्स कह देते हैं, तुम बोलोगे हाँ कह दो ना क्या दिक्कत, ये कम दिख रहा है तो इसको आर मीन कह देते हैं, तुम बोलोगे हाँ कह दो कोई दिक्कत। तो वो बोल रहे थे कुछ ऐसा होता है मामला, हमने बोला अरे ऐसा होता है क्या, मैंने बोला हाँ ऐसा ही होता है, ठीक ठीक है कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलोगे नहीं। अब मैं बोल रहा हूं यहां से लेके, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक का दूरी, इसको मान लो तुम कुछ डिस्टेंस, मान लो इसको 2a, कितना मान लो 2a, तुम बोले तो ओके कोई दिक्कत नहीं 2a मान लिया, ठीक है इसको मान लो 2a। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा दोस्तों टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। एक पॉइंट ध्यान से देखो, इस कलर से लिखना, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट सूर्य के बहुत करीब दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ ये सूरज के काफी करीब दिख रहा है, इसे कहते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम होता है पेरिहिलियन, क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पेरिहिलियन। और जो अवे होता है, पी मतलब पास, ए मतलब अवे, अवे जो होता है उसका नाम होता है एपिहिलियन, क्या होता है, ट्रिक याद रखना, पी मतलब पास, ए मतलब अवे, ठीक है, पी मतलब पास यानी पेरिहिलियन, पी से स्टार्ट होता है तो पेरिहिलियन पास, और ए मतलब अवे, ठीक है कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर जो आर मिनिमम है और आर मैक्सिमम है, क्या यही दोनों मिलकर 2a डिस्टेंस बना रहा है, हाँ ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मृणाली, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2a इज इक्वल्स टू आर मैक्स हाँ प्लस आर मीन, हाँ बोलोगे हाँ लिख दो ना क्या दिक्कत। ओके दूसरी बात, मैथमेटिक्स में इसेंट्रिक नाम का, ई नाम का कुछ पढ़ोगे तुम, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाओ। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम तो बायो वाले हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है फिजिक्स में, मैं बस लिख देता हूँ आर मैक्स का वैल्यू क्या होता है। ये इलिप्स के बारे में पढ़ोगे ना मृणाली, तो वहां पे बताया जाएगा आर मैक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं ए इंटू 1 प्लस ई, क्योंकि तुमको ये लग रहा होगा कि सर अगर ध्यान से देखा जाए, चलो मैं लाइन बना देता हूँ, ध्यान से देखा जाए और इसको अगर आपने ए मान लिया है, इसको अगर आपने ए मान लिया तो ये ए से तो ज्यादा है, तो इसको ए प्लस ई लिख दिया ना, ए इंटू 1 क्या हो गया ए, और प्लस ए प्लस ई, देखो यही हुआ ना इसका मतलब, हाँ ठीक है। तो ई का वैल्यू यहाँ पे हम नहीं कैलकुलेट करना सिखाएंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दूसरे का क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या कहता है दूसरे का क्या होना चाहिए, तुम बोलोगे फिर तो वो अगर ई से बड़ा है तो ये ई से कम होगा, अगर वो ई से से ज्यादा बढ़ रहा है तो ये ई से कम होना चाहिए मिनिमम वाला, तुम बोलोगे हाँ, तो ये क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो अब मुझे बताओ आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो तुमसे अगर पूछता है
तो क्या लिखोगे तुम? बोलोगे यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा 1 + e अपॉन 1 - e। ए एक कट जाएगा ना, क्या ममता, ए एक कट जाएगा यार, सर। क्या तुम भी हैं? हमको तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम मैथ्स पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही हो, नहीं। और मुझे डर भी होता है, आई एम वेरी अफ्रेड, यू नो। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब मैं सब इसके बारे में लिखूंगा, है ना, सब कुछ इसके बारे में भी बताएंगे, जैसे उसके बारे में बताया था ना सैटेलाइट के बारे में, एंगुलर मोमेंटम, ये सब सब बताएंगे, बस मेरा साथ देते चलो। ये तो पहला लॉ था, ये इनका क्या था पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ये पहला अध्याय उन्होंने सुनाया, उन्होंने अपने द्वार पे आए हुए सभी भक्त जनों को दूसरा कथा सुनाया। दूसरा कथा क्या था, दूसरा अध्याय, देखो द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में बात होता है लॉ ऑफ एरिया के बारे में। ये सब आई थिंक पढ़ चुके होंगे क्लास 10th स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। हाँ था ना सर। यस, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये कहते हैं कि द लाइन दैट ज्वाइंस, एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन क्या बात है, तुमको भी याद है, वो याद है उतना। बहुत अच्छी बात। अभी इसी से देखो ना कितना हम लोग खेला करने वाले हैं, तुम तो बस देखती जाओ, है ना ममता, है ना, है ही और क्या, आओ तुम बस खेला देखो, है ना, गंदा सा बना दिया बट ठीक है, भावनाएं मेरी काफी ज्यादा सा। ये है सन, तुम बोलोगे ठीक है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं, एकदम ध्यान से सुनते जाना। उन्होंने बोला द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं बोल देता हूं यहां से ये बंदा यहां पहुंचा है, ये प्लैनेट पॉइंट इससे इस तक पहुंचा है, ऐसे करके इसको मान लो ये एरिया वाला पार्ट, यहाँ एरिया कुछ है, इसका अपना कुछ एरिया है, इसके एरिया को मैं क्या मान लेता हूँ, ए, कितना मानता हूँ ए, बताओ कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं। इस एरिया को भी मैं क्या मान लेता हूँ, ए, ठीक है, एरिया ए, ये भी है एरिया ए, तो अगर दोनों का एरिया ए है तो टाइम भी सेम होगा, यही वो कहना चाह रहे थे। अगर वो बोल रहा है कि एरिया सेम है, एरिया सेम है, यहां से यहां तक का एरिया आपने सेम निकाला है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम भी सेम होगा दोनों में, यानी टाइम भी दोनों का क्या होगा, अगर यहाँ स्मॉल टी आएगा तो यहां भी स्मॉल टी आएगा, यही वो कहना चाह रहे थे। तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? तुम बोलोगे सर कॉमन सेंस ये कहता है, इधर देखिए, कि अगर ये एरिया बहुत छोटा हम ले लें तो ये लगभग क्या हो जाएगा, राइट एंगल जैसा कुछ ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। हम बोलेंगे हाँ, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, या इसका कुछ लेंथ भी ले लेंगे, उसका कुछ हाइट भी ले लेंगे, और वो किसके बराबर आएगा, सोच के बताओ, वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा आर के बराबर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। रेडियस। अब सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप जो आर बोल रहे हो ये आर है क्या, ये आप जो आर बोल रहे हो वो आर है क्या, तो वो मैं आर एवरेज लूंगा, वो आर एवरेज लूंगा। मैं बता देता हूँ, आर एवरेज का फॉर्मूला होता है आर मैक्स प्लस आर मीन बाई 2, इसको क्या कहते हैं, आर एवरेज। बोलो कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम बोलोगे यस। अब ध्यान से सुनते जाना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रूनाली, हे ममता, यहां से किसके एरिया का?
तुम्हारा जो एरिया है ना मोहल्ले में, उसका फॉर्मूला क्या है भैया? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ऐसा कुछ होता है? तुम बोलोगे हाँ, बी इंटू एच होता है। क्यों भाई? ट्रायंगल वही होता है ना एरिया का तो। वही हाँ होता है। हाँ वही होता है। तो मुझे बताना बी इंटू एच, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा? बी इंटू एच, देखो एच तो हो जाएगा आर, एच तो क्या हो जाएगा आर, ध्यान से देखो, ध्यान से इधर आओ, एच तो क्या हो जाएगा आर, कोई दिक्कत है? हाइट देखो आर हो जाएगा, लेकिन इसका दूरी कैसे पता चलेगा? इसका दूरी तुम बोलोगे सर स्पीड इंटू टाइम कर दो, पता चल जाएगा। हम बोलेंगे अरे हाँ ये कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इसका दूरी हमें हाँ पता चल जाएगा बेस का। तो मैं इंटू वी इंटू डी टी लिख दूं टाइम, और यहाँ पे एरिया का चेंज। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो क्या मैं टाइम को अगर इधर लेके आऊंगा, ध्यान से देखना, टाइम को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू वी, बताइए। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन मत लो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यानी कुछ ऐसा कर दूं, एम अपॉन एम, तो क्या कोई चेंज हो जाएगा? बोलोगे नहीं कोई चेंज नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना, बोलते जाओ। हाँ योगेश दादा ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। देखो फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, मैं लिखने वाला हूँ ऐसा कुछ, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/1, छोड़ो 1 हटा देते हैं ना, 1 को हटाओ, सीधा मैं लिख देता हूँ एम वी आर, क्या लिखूंगा? एम वी आर अपॉन 2 m, लिख सकते हैं क्या? और ये हाँ वी क्रॉस आर क्रॉस है। तुम बोलोगे सर ये एम वी क्रॉस आर क्रॉस ये तो हमको एंगुलर मोमेंटम की तरह दिख रहा है क्या? एम वी आर आता था, ये एल का वैल्यू याद आ रहा होगा, एल एंगुलर मोमेंटम का सर वैल्यू एम वी आर आता था, क्यों? क्योंकि ये एम वी क्या हो गया, पी, पी क्रॉस आर क्या होता था, एल होता था, याद आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं हाँ याद आ रहा है। तो मुझे एक बात बताना सभी लोग, क्या मैं डी ए बाई डी टी इसको मैं एल वेक्टर अपॉन 2 m लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है या चेंज हो रहा है? तुम बोलोगे अगर टाइम चेंज होता है, अगर आप एरिया चेंज करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एरिया चेंज करते हो तो टाइम भी चेंज होगा, और दोनों का रेशियो फिक्स ही रहेगा, दोनों का रेशियो फिक्स, जितना एरिया चेंज होगा जिस हिसाब से उस हिसाब से टाइम चेंज होगा, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, इनका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा इस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता, मैं पहले ही बता दूं, ये होता है कांस्टेंट, इस चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो? वेरीफाई। ये लिखना जरूरी है या छोड़ दें? नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं ना, कि दिस कैन नॉट बी लिखो प्रूव्ड ओनली कैन बी वेरीफाइड, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों? वेरीफाई कर सकते हैं। अब मुझे बताओ डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तुम बोलोगे वो भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि मास कॉन्स्टेंट है और टू तो कॉन्स्टेंट है, टू तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको भी कॉन्स्टेंट कर दे क्या? बोलो क्या मृणाली? तो मैं इसको, ये अगर कांस्टेंट है, देखो इफ दिस इज कांस्टेंट, अरे यार इफ दिस इज कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, एल वेक्टर बाय 2 m, सो एल वेक्टर कांस्टेंट। तुम बोलोगे सर कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है कांस्टेंट पता करने का, क्योंकि ये हमको थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट क्यों होगा। हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको आपने बोला ना, प्लीज म्यूट करो आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट, किसकी किसी के तरफ से आवाज आ रहा, प्लीज म्यूट करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा, उठना भी चाहिए, कि सर आपने बोला है कि ये लॉ है, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट एक लॉ है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते बट वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई ही करके दिखा दीजिए। क्यों मृणाली, ये सवाल तो आना चाहिए मन में।
तो मैं बोलूंगा देखो अपने सिलेबस का बाहर का चीज है, तो जो बाहर का चीज है तो वो तो बता ही देंगे ना, बाहर का चीज है, तुम बोलोगे हाँ वो तो आप बता दो, ठीक है। लेकिन जो प्रूव हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जब ये मास यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा होगा मृणाली, यहाँ से यहाँ, तो टॉर्क, नेट टॉर्क कितना लगेगा दोनों, और किसी भी अबाउट एक्सिस से देख लो, या तो सन के सेंटर से या अर्थ के सेंटर से, कहीं से बताओ टॉर्क कितना लगने वाला है। टॉर्क कितना लगेगा? जीरो लगेगा। टॉर्क क्या लगने जीरो वाला? जीरो। किसी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए टॉर्क यहाँ पे जीरो लगने वाला है। और मुझे बताओ टॉर्क ही जब जीरो हो जाएगा तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब इससे प्रूव कर लो, इसको वेरीफाई कर लो, डीए बाई डी टी। अगर एल कांस्टेंट हो गया, ध्यान से आओ नीचे, अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा यार, वन नोट काम ही नहीं कर रहा। अगर मुझे ये बताओ डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m है, तो एल मान लो कांस्टेंट हो गया, 2 तो पहले से कांस्टेंट है, मास तो पहले से कांस्टेंट है, तो डीए बाई डी टी भी कांस्टेंट हो गया ना, यहां से भी वेरीफाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस हाँ सर। बट ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे मित्रों? थर्ड लॉ के बारे में। आओ, इस थर्ड लॉ को हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं सीधा लिख दूंगा और याद दिला दूंगा कि अच्छा ऐसा कुछ आया था क्या, और तुम लोग खुद पूंछ हिला के बोलोगे हाँ सर हाँ सर, बोलोगे ना? आओ सर। हाँ ऐसे ही बोलना है। तो बाबा जी कह रहे हैं, मतलब केपलर अंकिल कह रहे हैं लोगों को, अपना तीसरा अध्याय सुना रहे हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। ध्यान से सुनते जाना, ये क्या है? वो कहते हैं द स्क्वायर, म्यूट करो सभी लोग, आवाज आ रहा है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगता है ना, नहीं तो मैथ में तो लिख ही चुके हो, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। सेमी मेजर मतलब समझे, वो जो आ रहा था ना ए का वैल्यू थोड़ा ए से ज्यादा, मैं लिखना भूल गया हूँ, या मैंने आर मैक्स आर मिनिमम लिखा था ना, आर मैक्स मैंने लिखा था ना, तो आर मैक्स का आधा वो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? आर मैक्स का आधा। तो हम ऑन एन एवरेज लेके क्या चलते हैं? आर एवरेज। क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे? आर एवरेज। हम लोगों को तो कुछ भेजना है नहीं अभी स्पेस में, जो हम एग्जैक्ट वैल्यू देख के कैलकुलेट करें क्या? ठीक है, तो वो हाँ कुल सर, मिला तो के क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से? भेज क्या ओमकार को? रहे हैं ना। हाँ तो वो तो कैसे भी भेज दो, किसी खास कक्षा में तो नहीं भेजना ना, कैसे भी भेज दो। तो ये होता है ए क्यूब के बराबर, वो ये बोले हैं, ध्यान से देखो ये बोले हैं। तुम बोलोगे सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यस। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? सेमी मेजर एक्सिस, बट हम यहाँ पे क्या लेते हैं? आर एवरेज। क्या हम बात कर रहे हैं? आर एवरेज का, ठीक है। तो हमने पढ़ा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हमने पढ़ रखा है ये चीज। और आर क्या डिस्टेंस, पढ़ रखे हो कि नहीं पढ़ रखे हो? प्रूफ भी कर चुके हैं भाई, बताओ प्रूफ नहीं किए हैं क्या रोनाली? किया है ना सर। हाँ हमने किया है प्रूफ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं कोई नहीं कंफ्यूजन, ठीक है सर। ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है। तुम बोलोगे अरे हाँ कांस्टेंट आता है, तो जरा वैल्यू बताना उस कांस्टेंट का, जल्दी बोलो भाई। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा क्या? के ए क्यूब, मैं आर की जगह भी ए लिख रहा हूँ। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? ध्यान से देखो, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। याद आया या भूल गए?
तो टी स्क्वायर है ना बराबर क्या सही? हो गया? टी स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई जी एम। बोलोगे हाँ। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से भाई टी हटा दो और 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट r³। एक ही जगह मैं r³ ले रहा हूँ, जी एम। याद आया ये फॉर्मूला? किसी जमाने में पढ़ाए थे, वही है और कुछ नहीं है। तुम बोलोगे फिर आपने के करके क्यों सॉल्व करवाया, ये के करके आपने क्यों सॉल्व करवाया? वो इसलिए क्योंकि नीट में एक सवाल दिया था और उसमें पूछ लिया था कि केपलर्स कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? केपलर्स कांस्टेंट। चलो मैं लिख देता हूँ, केपलर्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? तो यही है वैल्यू, और क्या होगा? अपने मन से एक डाल दिया वैल्यू, और क्या, केपलर्स कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ठीक है, नहीं अब सर। हम ग्राफ देंगे। मैं एक ग्राफ देने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ दूंगा। स्टार्ट करें ग्राफ देना, 2 मिनट सर। एक मिनट मैं ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन रोनाली याद आ रहा खत्म ना ये हुआ ले हो फॉर्मूला? ना? हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चंस करवाएंगे। ये हो गया हमारा ऑफिशियल। अगर टॉपिक का बात करते हो इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन का, तो हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा वो करवा दूंगा, सैटेलाइट में और ये प्लैनेट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैं करवा देता हूँ, है ना। इसके बाद वर्क डन भी मैं बता दूंगा कि सैटेलाइट कितना वर्क किया है, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, वो सब बता देते हैं। वैसे कुछ है नहीं, तुम लोग खुद समझदार हो, जान जाओगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। चलो ग्राफ के बारे में बात कर ले दोस्तों। हाँ सर। क्या नहीं सर। ग्राफ के बारे में नहीं बात करें? वो बोल रहा नहीं बात करने। क्यों भाई, नेक्स्ट नींद आ रहा है क्या ये? मीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में। ओके चलो भैया, बात करते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में इसके बारे में, ठीक है? चलिए।